हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस तरह से वर्क करता है, कि हम एक सैंपल ट्यूब लेते हैं, उसमें सैंपल रखते हैं जिसका भी हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा मेजर करना है, और उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उसके ऊपर रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएट की जाती है, और जब रेजोनेंस हो जाता है यानी ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, तो उस कंडीशन पे हमारा जो प्रोटॉन है वो फ्लिप कर जाता है। प्रोटॉन फ्लिप करता है तो उसके कोरस्पोंडिंग हमें एनएमआर सिग्नल देखने को मिलता है, तो डिटेक्टर उस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर लेता है कि किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, किस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे प्रोटॉन फ्लिप किया है, और उसके कोरस्पोंडिंग हमें हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रा मिल जाता है। इतना हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि सैंपल ट्यूब में हम अपना सैंपल रखते हैं। अब एक बात और ये नोट करने की है कि जो ये सैंपल ट्यूब है इसमें सैंपल के साथ साथ एक रेफरेंस स्टैंडर्ड भी रखा जाता है। रेफरेंस स्टैंडर्ड एक और सब्सटेंस रखा जाता है जिसको हम एज ए रेफरेंस यूज करते हैं। देखो, अब हमें इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा मेजर करना है, ठीक है, वो ड्रॉ करना है। तो कोई भी, हमें ये पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो उसके लिए एक रेफरेंस की जरूरत होती है कि उसको रेफरेंस मान के यानी उसके रिस्पेक्ट में हम वो चीज़ मेजर करते हैं। ऐसे ही जब किसी भी सब्सटेंस का एनएमआर स्पेक्ट्रा लेते हैं तो उसमें भी एक रेफरेंस स्टैंडर्ड की नीड होती है कि उस सैंपल ट्यूब में हम सैंपल तो लेते ही हैं, साथ में रेफरेंस स्टैंडर्ड भी इसमें ऐड करके तब सैंपल ट्यूब में लिया जाता है। क्या क्या? सैंपल प्लस रेफरेंस स्टैंडर्ड दोनों, फिर इसके रेफरेंस में हम सैंपल का एनएमआर स्पेक्ट्रा मेजर करते हैं। तो जो हमारा H1 NMR है उसमें रेफरेंस स्टैंडर्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? TMS को यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है। TMS क्या होता है? टेट्रा मिथाइल सिलेन, इस तरह से होता है कि सिलिकॉन होता है और उस पर चार मिथाइल ग्रुप्स अटैच होते हैं, इसको बोलते हैं TMS। इसको एज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं हम फॉर H1 NMR में TMS को एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि क्यों हमें एक रेफरेंस स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी, क्यों यूज़ करते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड को। ये समझने से पहले हम एक और चीज़ समझते हैं कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है। केमिकल शिफ्ट देखो, इस तरह से हमारा स्पेक्ट्रा ड्रॉ होता है, मिलता है हमें रिकॉर्डर पे। यहाँ पे रेफरेंस स्टैंडर्ड के लिए ये स्केल होता है, क्या अभी हम पढ़ेंगे आगे। देखो, यहाँ पे एक सिग्नल आता है, वो होता है एज विद रिस्पेक्ट टू, मतलब वो किसके लिए होता है? विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस स्टैंडर्ड। जो रेफरेंस स्टैंडर्ड हमने लिया है TMS, उसके लिए होता है एक सिग्नल। और फिर ऐसे इसमें और स्केल होता है ये, और इस तरह से हमें किसी भी कंपाउंड का सिग्नल मिल जाता है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये NMR स्पेक्ट्रा आ गया। तो केमिकल शिफ्ट क्या होता है कि किसी भी सिग्नल की जो रेफरेंस स्टैंडर्ड सिग्नल है उससे कितनी दूरी है, कितना वो शिफ्ट हुआ विद रिस्पेक्ट टू दिस सिग्नल, किसका है ये? टेट्रामिथाइल सिलेन, इसके सिग्नल के रिस्पेक्ट में उसमें कितना शिफ्ट हुआ उसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट, यानी किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम? इस रेफरेंस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में। तो केमिकल शिफ्ट क्या होता है? अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो हम लिखेंगे द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ पीएमआर सिग्नल या H1 NMR सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस स्टैंडर्ड सिग्नल, रेफरेंस स्टैंडर्ड यानी TMS सिग्नल, उसके रिस्पेक्ट में कितना शिफ्ट हुआ उस पर्टिकुलर सिग्नल में, PMR सिग्नल में, उसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। इसको मेजर करने के दो स्केल होते हैं, केमिकल शिफ्ट को मेजर करने के दो स्केल होते हैं, एक होता है डेल्टा स्केल और एक होता है टाउ स्केल। डेल्टा स्केल है, इसमें हम PPM में मेजर करते हैं वैल्यू को, और टाउ स्केल है वो कुछ नहीं, बस ये क्या होता है, टाउ की वैल्यू 10 माइनस डेल्टा, ठीक है। ये भी PPM में होता है, ये भी PPM में होता है, इस तरह से।
तो हम क्या जो डेल्टा की वैल्यू है वो किस तरह से आती है, डेल्टा इन ppm ये इक्वल होता है सैंपल की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। ये क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल, कि किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वैल्यू पे रेजोनेंस हुआ है वो वाली फ्रीक्वेंसी, डिवाइड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं हम अपना एक्सपेरिमेंट, वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, और ये किस में, मेगा हर्ट्ज में। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी प्रोटॉन की, ठीक है, ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे न्यू एस की क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ये हर्ट्ज में होती है, ये मेगा हर्ट्ज में, और फिर इनको ऐसे डिवाइड करने से जो वैल्यू आती है वो आती है ppm में, ये आती है हमारी डेल्टा की वैल्यू। जो केमिकल शिफ्ट है वो इस ऐसे मेजर करते हैं, जो हमारा स्केल होता है वो इस तरह से होता है, देखो यहाँ पे होती है जीरो वैल्यू डेल्टा में, ठीक है, और ये होता है 0 to 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on, इस तरह से, और टो वैल्यू ले तो 10 माइनस डेल्टा, 10 माइनस 0 यानी यहाँ पे 10, यहाँ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, इस तरह से। तो हम मेनली जो डेल्टा स्केल है इसको ही मोस्टली यूज करते हैं, जो टो स्केल है उसके कंपैरिजन में हम डेल्टा स्केल को ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें जो ये वाली फील्ड है इधर बोलते हैं, मतलब जीरो की साइड जाते हैं तो इसको बोलते हैं अप फील्ड, और जीरो से दूर जाते हैं यानी 10 की तरफ जाते हैं इस फील्ड को बोलते हैं डाउन फील्ड। डाउन फील्ड इधर कोई सिग्नल है, मान लो एक सिग्नल ये है और एक ये है, तो इसको बोलेंगे कि ये अप फील्ड में है इसके रिस्पेक्ट में, और ये डाउन फील्ड में है विद इसके रिस्पेक्ट में, यानी इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, डाउन फील्ड, और राइट हैंड साइड में अप फील्ड। तो ये हो गया केमिकल शिफ्ट। अब हम बात करते हैं कि हमें रेफरेंस स्टैंडर्ड की क्यों नीड पड़ी, क्यों हम रेफरेंस स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये एक हम यूज़ करते हैं क्योंकि जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो रेफरेंस स्टैंडर्ड को यूज़ करने के बाद इंडिपेंडेंट हो जाती है इंस्ट्रूमेंट पे, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड नहीं करती, ना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी ना इंस्ट्रूमेंट पे। मान लो हमने एक इंस्ट्रूमेंट ले लिया 100 मेगाहर्ट्ज का, इतनी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी, एक ले लिया 200 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है, तो रेफरेंस स्टैंडर्ड लेने के बाद क्या है कि जो हमारी किसी भी पर्टिकुलर प्रोटॉन की जो डेल्टा वैल्यू है, किस में है ये ppm में, किसी भी पर्टिकुलर प्रोटॉन की जो डेल्टा वैल्यू है वो इन पे डिपेंड नहीं करेगी। जब हम एक रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज कर लेते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे या फिर अप्लाइड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इन पे डिपेंड नहीं करती। अगर उसकी वैल्यू मान लो 1.5 ppm आनी है तो चाहे वो 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज कर लो तब भी वो 1.5 ppm आएगी, चाहे 200 मेगाहर्ट्ज का यूज कर लो, चाहे 1000 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज कर लो, उस केस में भी वो डेल्टा वैल्यू है वो 1.5 ppm ही आएगी। यानी जो डेल्टा वैल्यू है ppm में वो इंडिपेंडेंट होती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे मेजर करें हर्ट्ज में, इसी वैल्यू को हम हर्ट्ज में मेजर करें तो ये डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट पे, तब वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए जो वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी, इट डिपेंड ऑन इंस्ट्रूमेंट। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, देखो मान लेते हैं हमारा एक सिग्नल आया है NMR स्पेक्ट्रा आया है इस तरह से, यहाँ पे जीरो है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक सिग्नल मिला, ये किसका है TMS का, और इस इधर ऐसे चलते हैं 1, 2, 3, ये हमारा डेल्टा स्केल है। तो एक यहाँ पे एक सिग्नल आया है इस तरह से, एक यहाँ पे आया है, ये सिग्नल आए, मान लो ये वैल्यू है 1.5 ppm और ये है 2.8 मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से 2.8 है समथिंग, 2.8 है और ये 1.5 ppm है, और ये 0 ppm पे है TMS की वैल्यू। तो ये है फॉर ए टाइप के प्रोटॉन्स और ये है फॉर बी टाइप प्रोटॉन्स, ये हम मान लेते हैं, दिस इज फॉर ए टाइप प्रोटॉन एंड दिस इज फॉर बी टाइप प्रोटॉन्स। तो देखो क्या होता है
कि चाय हम एक बार यूज कर लेते हैं 300 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट और एक बार यूज कर लेते हैं 500 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट, मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी एक बार 300 मेगाहर्ट्ज़ आ रही है, एक बार 500 मेगाहर्ट्ज़ आ रही है, तो क्या होगा कि जो डेल्टा है वो क्या होता है, सैंपल की फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज़ बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज़, यही होती है। तो ये तो फॉर ए टाइप के प्रोटोन, मान लो फॉर ए टाइप के प्रोटोन कर रहे हैं कि डेल्टा वैल्यू है वो तो 1.5 ही रहेगी, वो 1.5 ही रहेगी इस केस में भी और इस केस में भी वो 1.5 ही रहेगी, ये हम निकालेंगे हर्ट्ज में। और ये मेगा हर्ट्ज कितना है, इस केस में है 300 मेगा हर्ट्ज, और ये क्या हो जाएगा, मतलब इनको कन्वर्ट नहीं करेंगे कि इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ ये हर्ट्ज में रहेगा, ये मेगा हर्ट्ज में रहेगा, तब जाके ये पीपीएम में वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई करके 450 हर्ट्ज, ये वैल्यू आ गई 450 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर ppm में स्केल है तब तो ये 1.5 पे आई, लेकिन अगर हम इसी को हम हर्ट्ज में लेते, ये स्केल हमारा हर्ट्ज में होता, ppm में ना होके हर्ट्ज में होता, तो ये सिग्नल हमारा इतने पे आता, ठीक है। इसको हम ये बोलेंगे इट इज 450 हर्ट्ज ग्रेटर देन tms, यानी TMS का जहाँ भी आएगा उससे 450 हर्ट्ज ग्रेटर वैल्यू पे ये सिग्नल आएगा इस ए टाइप के प्रोटॉन का। और इसमें अगर मतलब प्रोटॉन वही है हमारे, लेकिन हमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, अब 500 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या आएगी हमारी वैल्यू, तो उस केस में हमारी जो ये सैंपल की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो आएगी 750 हर्ट्ज, यानी इसका क्या मतलब है, 750 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS, यानी टेट्रामिथाइल सिलेन का जहाँ भी सिग्नल आएगा उससे 750 मेगा हर्ट्ज ज़्यादा पे आएगा। तो अब देख रहे हो आप कि अगर हम हर्ट्ज में स्केल ले रहे हैं, यानी जो हमारा ये स्केल है ये हर्ट्ज में होता तो क्या होगा कि 300 मेगा हर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट लिया तब तो इतनी वैल्यू पे हमारा सिग्नल आया, 500 का लिया तब इतनी वैल्यू पे सिग्नल आया। तो उन्हीं प्रोटॉन्स के लिए ये क्या है कि हमारे जो सिग्नल की वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही है अगर हम डिफरेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ppm में यूज करेंगे, यानी जो डेल्टा स्केल है वो ppm में यूज करेंगे, हम हर्ट्ज में यूज ना करके ppm में यूज करेंगे, तो चाहे 300 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट हो चाहे 500 मेगाहर्ट्ज का हो, वो किसी पर्टिकुलर प्रोटॉन पे अगर 1.5 ppm पे वैल्यू आ रही है तो उतनी ही वैल्यू पे सिग्नल आएगा, वो डिपेंड नहीं करेगा इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो इसलिए हम एक रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते हैं कि उसके ही रेफरेंस में हम कोई भी चीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है। एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है, उसी के रेफरेंस में देखते हैं कि कितनी उसमें शिफ्ट हुई है, इसलिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड की नीड होती है। फिर बात आती है कि हमने टेट्रामिथाइल सिलेन ही यूज किया, इसमें ऐसा क्या था कि हमने टेट्रामिथाइल सिलेन यूज किया, क्वेश्चन आता है व्हाई टेट्रामिथाइल सिलेन यूज्ड एज रेफरेंस स्टैंडर्ड, इसी को रेफरेंस स्टैंडर्ड की तरह क्यों यूज किया। तो इसके बहुत सारे पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, फर्स्ट पॉइंट कि ये इनर्ट होता है, इनर्ट होता है यानी सैंपल ट्यूब में हमने अपना सैंपल भी लिया है, सैंपल मान लो हमने मिथेनॉल लिया है, ठीक है, मिथेनॉल का एनएमआर स्पेक्ट्रो ड्रॉ करें तो सैंपल भी लिया है प्लस ये टीएमएस भी लिया है, तो ये इनर्ट होगा, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर ये रिएक्ट कर जाएगा तो इसका जो एनएमआर स्पेक्ट्रा आना चाहिए उससे डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, टीएमएस है, इनर्ट होता है, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, यानी इसके एनएमआर स्पेक्ट्रा को डिस्टर्ब नहीं करता, तो टीएमएस है वो इनर्ट होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। सेकंड बात क्या है कि ये वोलेटाइल होता है, हाईली वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का क्या मतलब है कि जब हमने सैंपल लिया, दोनों चीज़ मिक्स की, ठीक है, हमने एनएमआर स्पेक्ट्रा ले लिया, लेकिन फिर एनएमआर स्पेक्ट्रा लेने के बाद हम ये जो टीएमएस है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसका बहुत ज़्यादा हाईली वोलेटाइल होता है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर देख के ही हम इसको इसमें से रिमूव कर सकते हैं, यानी हम अपना प्योर मिथेनॉल फिर से वापस ले सकते हैं, क्योंकि ये टीएमएस है, ये हाईली वोलेटाइल है,
इजीली वेपराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा थोड़े से टेम्परेचर बढ़ाते ही, तो इसलिए ये वोलेटाइल है और ये इसको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और इसको हम वापस जब पूरा हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम ले लेंगे उसके बाद हम प्योर मिथेनॉल भी गेट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इसमें 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं। देखो 12 है और इक्विवेलेंट है, 12 के करस्पॉन्डिंग हमें एक सिग्नल देखने को मिलेगा, और क्योंकि 12 प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग आ रहा है तो क्या होगा, शार्प सिग्नल आएगा। और दूसरी बात क्या है कि लेस क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी इस रेफरेंस स्टैंडर्ड की, क्योंकि 12 प्रोटॉन्स है, इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी सिग्नल की, तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होगा, तब भी मतलब एक अच्छा इंटेंस और शार्प सिग्नल हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि 12 प्रोटॉन्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे सिग्नल की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और वो उतने ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होगा। एक ये बात। फोर्थ क्या है कि इसकी जो डेल्टा वैल्यू है वो बहुत कम होती है, वेरी लेस। तो ये क्या है कि ये इंटरफेयर नहीं करती सैंपल के सिग्नल्स के साथ, इट डोंट इंटरफेयर विद सैंपल सिग्नल्स। सैंपल के जो सिग्नल्स होंगे उनके साथ इंटरफेयर नहीं करेंगी। यानी देखो हम यहाँ पे देखा, ये जीरो वैल्यू पे आती है, इसकी जो डेल्टा वैल्यू है उसको रेफरेंस है उसको जीरो मान के चलते हैं, 0 ppm, फिर इसके रिस्पेक्ट में औरों की फाइंड करते हैं। तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा लेस वैल्यू होती है इसकी, और ये दूसरों के साथ इंटरफेयर नहीं करती। अगर इसकी वैल्यू कहीं यहाँ लाई करती तो हमें पता नहीं चलता कि वो किसी सैंपल के प्रोटॉन की वैल्यू है या TMS की वैल्यू है। ये बिल्कुल इन सैंपल वालों से बिल्कुल अलग हटके बिल्कुल लेस वैल्यू होती है इसकी एज कम्पेयर टू हमारे सैंपल के प्रोटॉन्स। तो ये उनके साथ इंटरफेयर भी नहीं करती, और हम इजीली हम अपने जिस भी सैंपल का हमें NMR स्पेक्ट्रा लेना है उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। वेरी लेस, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो 12 प्रोटॉन्स है वो हाईली शील्डेड होते हैं। अब ये क्या होता है, शील्डेड और डीशील्डेड ये क्या है, ये हम समझते हैं अभी। देखो दो तरह से होते हैं प्रोटॉन्स, शील्डेड प्रोटॉन्स एंड डीशील्डेड। ये क्या होता है, देखो हम कोई भी सैंपल लिया, हमने सैंपल लिया अपना, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, कोई वैल्यू है इसकी बी, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सैंपल में न्यूक्लियाई है, हमारे प्रोटॉन के जो न्यूक्लियाई है उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूक्लियाई के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी है, तो क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियाई इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करते हैं, BI, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया है, एक मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है, ये दो तरह से हो सकता है, या तो ये इसको अपोज करे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, या फिर ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इसको सपोर्ट करे। दो तरीके से हो सकता है, या तो ये इसको अपोज करे यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, या इसको सपोर्ट करे यानी जो डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की है वही इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की है। तो इस केस में हमारा जो प्रोटॉन है वो एक इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है, वो क्या होती है, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है माइनस जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इतनी मैग्नेटिक फील्ड वो एक्सपीरियंस करता है हमारा प्रोटॉन, ठीक है। ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो न्यूक्लियाई है न्यूक्लियाई के चारों जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, और ये है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है। तो ये हो गया इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोटॉन जो न्यूक्लियाई एक्सपीरियंस करता है। अब शील्डेड या डीशील्डेड क्या है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम ले लेते हैं इथाइल फ्लोराइड, ब्रोमाइड क्लोराइड कुछ भी ले लो, इथाइल फ्लोराइड ले लिया। इसमें क्या है, ये तीन प्रोटॉन एक जैसे हैं, ये दो प्रोटॉन एक जैसे हैं, इनका एक अलग सिग्नल आएगा, इनका अलग सिग्नल आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग हमें दो सिग्नल देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या है, ये तीन हाइड्रोजन है, ये मान लो ए टाइप के हैं HA, ये दो हाइड्रोजन बी टाइप के, और ये एक फ्लोरीन। देखो ये हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जो
फ्लोरीन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और हमें पता है फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, यानी इस कार्बन और इस हाइड्रोजन ये जो बॉन्ड बना हुआ है तो ये दो इलेक्ट्रॉन से बनता है बॉन्ड। तो अगर ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो क्या है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में लाई करते हैं, लेकिन जैसे किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और दूसरे की तरफ थोड़ा कम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी कम होती है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी तो इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेनली कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और इस एच बी पे यानी इस हाइड्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड एच बी इज लेस, ठीक है, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कम होगी। और इसके कंपैरिजन में इसको देखें तो देखो ये कार्बन इससे दूर है, इस फ्लोरीन से दूर है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट इस पे ज़्यादा है, इस पे कम है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यहाँ इस वाले कार्बन पे ज़्यादा लगेगा यहाँ पे कम है, तो इसके कंपैरिजन में इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ इस एच के पास ज़्यादा रहेगी, यानी अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें तो ये कम होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस। इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड एच ए इन प्रोटॉन्स के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इट विल बी मोर, ये ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, इस वाले एच बी के कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। देखो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं शील्डेड, क्या बोलते हैं शील्डेड, कि उसको इलेक्ट्रॉन्स ने उसको शील्ड कर किया हुआ है, शील्ड मतलब एक लेयर बनाई हुई है, शील्डेड का मतलब यही हो ना, उसके आसपास वो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो इसको कहेंगे शील्डेड, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है उसको बोलते हैं डी शील्डेड, जिस प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उसको बोलेंगे डी शील्डेड और जिसके पास ज़्यादा है उसको बोलेंगे शील्डेड। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एच ए पे ज़्यादा है एच बी से, तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा उसके अराउंड ज़्यादा होगा, तो इस पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी प्रोटॉन, तो ये ज़्यादा है तो बी इफेक्टिव क्या होगा, अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो बी ओवरऑल बी इफेक्टिव कम हो जाएगा, तो इसमें बी इफेक्टिव क्या है एच ए का कम होगा एज कम्पेयर टू एच बी, तो बी इफेक्टिव कम होगा तो इनकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कह लो या फिर जो डेल्टा वैल्यू होगी वो भी इसकी कम होगी, जिसका बी इफेक्टिव कम होगा उसकी डेल्टा वैल्यू कम होगी। अगर हमारा ये स्केल है, ये एनएमआर स्पेक्ट्रा है, अगर ये इनके करस्पॉन्डिंग सिग्नल आ रहे हैं तो अगर ये हमारा एच ए का होगा तो ये एच बी का होगा, यानी इधर कम है, यहाँ पे कम है ना, यहाँ जीरो है, वन टू थ्री फोर, तो मतलब एच ए की डेल्टा वैल्यू कम होगी और एच बी की डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होगी। और हमने कहा था कि इस इधर क्या होता है डाउनफील्ड, ये डाउनफील्ड है और इधर क्या होता है अपफील्ड। तो एक बात याद रखना कि जो डी शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं वो डाउनफील्ड की तरफ उनका सिग्नल आता है, डी से याद रखना, डी से डी शील्डेड और डी से ही डाउनफील्ड। डाउनफील्ड का मतलब क्या है, डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होगी इसमें, ठीक है, तो डी से डी शील्डेड जो प्रोटॉन्स होंगे यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वो डाउनफील्ड की तरफ सिग्नल देंगे और इनकी डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होगी, और जो इसके अलावा क्या बच गए शील्डेड के अपफील्ड में होंगे उनकी डेल्टा वैल्यू कम होगी। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा वैल्यू की, यानी जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी डेल्टा वैल्यू कम होगी और जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उसकी डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होगी। अब देखो हम बात कर रहे थे टेट्रा मिथाइल सिलेन, एक बार उसका स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये सिलिकॉन है, तीन मिथाइल
ग्रुप को ऐसे लिख लिया, फोर्थ वन को उसको थोड़ा ऐसे एक्सपेंड करके लिख लिया। देखो यहाँ पे कार्बन लाई करता है, कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन होता है, हमें पता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सिलिकॉन की कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो कार्बन की ज़्यादा है, सिलिकॉन की कम है। तो कार्बन की ज़्यादा है, सिलिकॉन की कम है, कार्बन की ज़्यादा यानी यहाँ से कि इसके बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे, कार्बन की तरफ ये ज़्यादा शिफ्ट है, तो इस इन ये हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एक तो सिंपल मीथेन का चार हाइड्रोजन है और एक इस तरह से है, तो क्योंकि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि कार्बन सिलिकॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, इसमें भी इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शिफ्ट होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे ज़्यादा है, तो इन हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आ जाती है, तो इस करके इसकी जो डेल्टा वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, और इसको हम एज ए रेफरेंस इसको 0 PPM लेके चलते हैं, 0 PPM, फिर इसके रिस्पेक्ट में और होगी शिफ्ट देखते हैं। तो इसलिए हमने कहा था कि जो 12 हाइड्रोजन है टेट्रामिथाइल सिलेन के, वो हाईली शील्डेड होते हैं, शील्डेड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वो हाईली शील्डेड होते हैं, उनके डेल्टा वैल्यू बहुत ही कम होती है और वो दूसरे सिग्नल्स के साथ इंटरफेयर नहीं करती। अब कुछ टाइप के प्रोटोन हैं उनके डेल्टा वैल्यू लिख लेते हैं एक बार एक टेबल की फॉर्म में, कि जब हम NMR स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे किसी भी कंपाउंड का तो वो डेल्टा वैल्यू काम आएंगी। देखो यहाँ पे हम लिखते जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोन और यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा वैल्यू इन ppm में। तो देखो अगर कोई प्रोटोन कार्बन से अटैच है, कैसा कार्बन, sp3 कार्बन से अटैच है, और ये ये कार्बन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटीट्यूएंट से अटैच नहीं है, यानी नो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटीट्यूएंट, उस केस में जो डेल्टा वैल्यू है वो आती है अबाउट 0.5 to 2 ppm, इस बीच में आती है। सेकेंड केस कि कार्बन से प्रोटॉन अटैच है, sp3 कार्बन है, लेकिन इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटीट्यूएंट है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटीट्यूएंट अटैच है, तो इसकी वैल्यू आती है अबाउट 2 to 5 ppm। थर्ड वन लेते हैं, अगर sp2 कार्बन है, यानी जिस कार्बन से प्रोटॉन अटैच है वो एक sp2 कार्बन है, तो उस केस में ये वैल्यू आती है 5 to 8.5 ppm। फोर्थ केस कि अगर ये sp3 कार्बन है, यानी जो प्रोटॉन है वो जिस कार्बन से अटैच है वो sp है, यानी उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो उसमें जो वैल्यू आती है वो आती है 8.5 इसकी वैल्यू आती है 2 to 3 ppm। एक ट्रिक भी बताऊंगी जिससे इजीली आप लर्न कर लोगे इनको। फिफ्थ केस लेते हैं, अगर एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है, उसकी वैल्यू होती है 8.5 to 10 ppm। सिक्स केस, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन, उस केस में वैल्यू आती है 10 to 12.5 ppm। एक और ले लेते हैं, अगर एल्कोहोलिक एच है तो वो होती है 4 to 6 ppm, लेकिन एल्कोहोलिक एच ये IR से ज़्यादा अच्छे एक्यूरेटली पता चलता है कि वो एल्कोहोलिक एच है, एल्कोहोलिक प्रोटोन, उसमें एल्कोहल है। इसमें हम NMR का डाटा कम ही यूज़ करते हैं इसके लिए, और वो क्यों करते हैं ये भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगी उनमें स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब इनको लर्न करने की एक टेक्निक लर्न कर लेते हैं। देखो ऐसे लिखते हैं 0.5 to 2
2 से 5, 5 से 8.5, 8.5 से 10 एंड 10 से 12.5। ऐसे एक टेबल बना ली, 0.5 से 2, 2 से 5, 5 से 8.5, 8.5 से 10, 10 से 12.5। एक बार लिखोगे, एक दो बार तो रन हो जाएगी। तो देखो, इससे इसके बीच में क्या होता है, sp3 कार्बन, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, ठीक है, नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इससे और इसके बीच में क्या है, कार्बन से एच है, sp3 ही है, पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, sp2 कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ से लेके यहाँ तक एल्डिहाइडिक एच, और यहाँ से लेके यहाँ तक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एच, ठीक है। और एक और रन कर लेते हैं, 2 से 3, यहाँ से क्या होता है, sp कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, उस पे हाइड्रोजन अटैच है, तो उनका इस रेंज में आता है। तो एक दो बार बना के देखोगे तो ये सारी वैल्यूज लर्न हो जाएगी, ठीक है। अब एक दो बातें और याद रखनी है कि अगर हमारा हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है वो इस तरह से है, OCH3, यानी जिस कार्बन से अटैच है वो एक O से अटैच है, ये कैसे होता है, इथर में होता है, जैसे CH3 OCH3, इस तरह से, ठीक है। तो उनकी वैल्यू आती है 3.524 ppm, ये लर्न करना है, ठीक है। फिर OCH2 इस तरह का हो तो उसकी आती है 4 to 4.5 ppm। अगर ऐसा हो OCH तो उसकी वैल्यू आती है 4.5 to 5 ppm। तो ये भी बातें हैं थोड़ी जो याद रखनी है। देखो, मान लो अगर इस तरह का कंपाउंड है CH3 O CH2 CH3, तो अगर इन प्रोटॉन का पता करना हो तो क्या करेंगे, क्योंकि ये OCH2 है तो ये इस रेंज में होंगे, ठीक है, और इनके भी, क्योंकि ये भी तो OCH3 है, ये कि इस रेंज में होंगे, ठीक है, इनका अलग होगा। तो इस तरह से हम ये वाली चीज़ें याद रखनी है और एक ये वाली टेबल याद रखनी है। तो हम जब NMR स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे कंपाउंड्स पे, तब ये टेबल बहुत काम आएगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।